नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत संगठन की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में क्षत्रिय महासंगम आओ चलें लाल टाउन पिपरा चौराहा धर्मनाथ सिंह बालिका विद्यालय, समय 9 बजे। प्रेषककर्ता दयाल शंकर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजपूत समाज अखंड भारत। जिले में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने मार्च निकाला और काला दिवस मनाया। उलमा काउंसिल ने शिबली कॉलेज के पास छात्रों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और बाबरी मस्जिद की शहादत में शामिल मुलजिमों को सजा देने की मांग की। शहर के तकिया इलाके समेत कई जगहों पर लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर इसका विरोध जताया। लोगों ने अपने घरों पर काला झंडा फहराकर विरोध दर्ज कराया। जिले के शिबली पीजी कॉलेज के पास उलेमा काउंसिल कार्यकर्ताओं ने बांह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। वहीं उलेमा काउंसिल ने कहा कि 6 दिसंबर देश के लिए काला दिन है। इसी दिन कुछ सिरफिरे लोगों ने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी थी। देखिए, आज 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद जो विध्वंस हुआ था, आज उसी के गम में अत्यंत दुखी परंतु उत्साहपूर्ण मन से आज हम लोग एक काला दिवस मना रहे हैं। और जो उस समय की वर्तमान सरकार ने ये वादा किया था कि अगर बाबरी मस्जिद उसी स्थान पे बनाई जाए, लेकिन आज 25 साल हो गए विध्वंस के, लेकिन आज तक बाबरी मस्जिद को वहाँ से पुनर्निर्माण नहीं किया गया। और नहीं तो वर्तमान सरकार तरह तरह की जुमलेबाजी कर रही है और इस पे सियासत करके प्रदेश और देश के सर्वोच्च कुर्सी पे पहुँच गई इसी मंदिर की राजनीति करके। मैं ये मांग कर रहा हूँ, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये 4 सूत्रीय ज्ञापन दिया जा रहा है और इस ज्ञापन में हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिस्सा नहीं बल्कि अदालत से इंसाफ चाहिए। बाबरी मस्जिद को वहीं पे पुनः निर्माण से पहले कोई भी मांग मानने को मुसलमान तैयार नहीं है। बाबरी मस्जिद की शहादत में जो शहीद हुए थे उनको उचित मुआवजा दिया जाए। लिब्रहान आयोग को की सिफारिश को अक्षर से लागू किया जाए और बाबरी मस्जिद विध्वंस में जो लोग दोषी हैं, अडवाणी हो चाहे और सारे लोग हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए। और आरएसएस जैसे प्रति अराजक संस्था पे पाबंदी लगा करके इस देश में अमन और शांति कायम किया जाए। साबिर खान, नगर अध्यक्ष और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। इंशाअल्लाह ताला बाबरी मस्जिद हम वहीं पे तामीर करेंगे कोर्ट का फैसला आने के बाद।